गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों, हम आपकी क्लास में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है और हमने हीट ऑफ रिएक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। और हीट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन कवर किया था। क्या होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन? द हीट विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट इन्वॉल्व, हमने इन्वॉल्व टर्म मेंशन की थी। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है, इसलिए हमने वहाँ पे पर्टिकुलर एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व टर्म ना यूज करके इन्वॉल्व टर्म का यूज किया था। सो नेक्स्ट है बच्चों आपकी हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होती है बच्चों? हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन होती है द हीट रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड कंबाइन कंबशन। और वहां पर डेल्टा एच के साथ आप क्या लिखेंगे? डेल्टा एच कॉम, जहां पे कॉम का क्या मतलब है? हीट ऑफ कंबशन और एंथैल्पी चेंज इन कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? द हीट विच इज रिलीज और एब्जॉर्ब इन कन्वर्टिंग वन एनोट्रॉपिक फॉर्म टू अनदर। द हीट
इसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आप हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई बच्चों, जब आप एक एलोट्रॉपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज करोगे, जैसे कि अगर ग्रेफाइट, आपको पता है कार्बन की कितनी सारी फॉर्म्स होती हैं, कार्बन एलोट्रॉपिक, कार्बन की बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, चारकोल, कोल। तो जब आप एक एलोट्रॉपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस दौरान जो हीट रिलीज होती है या फिर जो हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो सपोज कीजिए आपने कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म को किसमें कन्वर्ट किया है, कार्बन की डायमंड फॉर्म में, यानी कि आपने, दैट मींस आपने ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट किया है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी या जो हीट रिलीज होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किससे मेंशन करते हैं बच्चों, डेल्टा एच फॉर्म, जहां पर डेल्टा एच फॉर्म क्या होगा, एंथैल्पी चेंज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इनटू अनदर। सो ये है बच्चों हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में आप हमेशा एसिड को, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं। तो जब भी आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बच्चों हमेशा हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है। सो नेक्स्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। The heat released when one gram equivalent of an acid react with one gram equivalent of a base। So क्या होती है बच्चों heat of neutralization, जो heat release होती है जब आप 1 gram equivalent किसी भी acid के react कराते हैं किसके साथ, 1 gram equivalent of a base। बच्चों जब आप एक strong acid और strong base की reaction कराते हैं, so हमेशा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और अगर आप इसे जूल में लिखेंगे तो ये होती है -57.1 किलो जूल पर मोल। सो सपोज कीजिए आपको पता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज करेंगे, आपको पता है एसिड वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो, उन कंपाउंड को हम बेस कहते हैं जो हमेशा OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। सो यहां पे क्या होगा, सो जो एसिड एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं और जो बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, सो आपके रिएक्शन मिक्सचर में एच पॉजिटिव आयन होगा और OH नेगेटिव आयन होगा। सपोज कीजिए ये एच पॉजिटिव आयन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है और ये OH नेगेटिव आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। सो जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे, एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये दोनों क्या वाटर ए लिक्विड फॉर्म। सो बच्चों जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं, सो जो हीट रिलीज होती है वो
अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सपोज कीजिए ये तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें या वीक बेस लें या फिर वीक एसिड लें या स्ट्रॉन्ग बेस लें, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में क्या होती है, कम रिलीज होती है। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसके लिए सबसे ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसके लिए होगी, आप कुछ भी लें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लें या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अगर लें, इन दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कम होगी, और सबसे कम किसके लिए होगी कि आप वीक एसिड ले रहे हैं और बेस भी वीक ही ले रहे हैं। सो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, 200 ml of 0.1 molar H2SO4 is mixed with 150 ml of 0.2 molar KOH. Find the value of heat evolved in kilo joule. तो सबसे पहले हम बच्चों वैल्यू निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट की, किसके, सबसे पहले एसिड के और आफ्टर दैट बेस के। सो किसके साथ, एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो
1 जून. सो प्रोवाइड करोगे
greater will be the heat of dissociation or heat of ionization. जितना ज्यादा आपका एसिड या फिर बेस क्या होगा, वीक होगा, आयोनाइजेशन की वैल्यू, हीट ऑफ आयोनाइजेशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी. नेक्स्ट है बच्चों एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन. क्या होता है हाइड्रेशन? हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं. सो इसमें जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन. सबसे पहले बच्चों आपका पहला केस है, अगर आपके पास एक एनहाइड्रस सॉल्ट है और दूसरा है अगर आपके पास कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है. क्या होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन? हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है अगर आप किसी भी कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, और दूसरा केस है हाइड्रेटेड सॉल्ट. एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं जिससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या किया जाता है, रिमूव होता है. वो कैसे होते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट? सपोज कीजिए आपके पास CuSO4 है, CuSO4 में आपने तीन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है. सो इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, CuSO4 into 3H2O फॉर्म होगा. सो याद रखिएगा बच्चों होती है उसमें आप सिर्फ कुछ ही क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं. यहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन में हमेशा क्रिस्टलाइज्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है. नेक्स्ट आता है
क्या होता है बच्चों? सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड होते हैं। नेक्स्ट आता है केस टू फॉर आयन, ये था एनहाइड्रस सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे आयन के लिए। केस टू फॉर आयन्स, आयन्स आपको बताया बच्चों, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी आयन है, Cl निगेटिव, किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं, सो इसमें जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो यहां पर क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होते, यहां पर वाटर की ज्यादा क्वांटिटी ऐड होती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि आप उसकी कंसेंट्रेशन ही चेंज कर दें सॉल्यूशन की। क्या होता है जब आप किसी भी आयन में ऐड करते हैं वाटर को, तो सिर्फ सॉल्यूशन एक्वस हो जाता है, उसमें वाटर ऐड हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल जो आपने एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए पढ़ा है उससे क्वांटिटी वाटर की ज्यादा होती है। तो यहां पे सीएल निगेटिव गैसियस फॉर्म में है, उसको आपने क्या किया है, ये बच्चों एक्वस है, इसमें आपने क्या किया है वाटर ऐड किया है। जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो सीएल निगेटिव गैसीय में क्या लिखेंगे, एक्वस। सो जब आप किसी भी आयन में वाटर ऐड करते हैं तो वहां पर क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होते, वहां पर क्या होता है वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्वस से। नेक्स्ट है बच्चों आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है किसका, जो फॉर्मेशन होता है एच पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को जब आप गैसियस फॉर्म से एक्वस फॉर्म में चेंज करती हैं, तो ये बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी मानी जाती है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एच पॉजिटिव हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन की। और ये क्या होती है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन आयन इज टेकन एज जीरो। क्या ली जाती है बच्चों, जीरो ली जाती है, ठीक है। सो ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बच्चों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें भी आप क्या कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में भी आप वाटर ऐड करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। तो सपोज कीजिए आपके पास कोई भी कंपाउंड है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कुछ क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो ये बच्चों डिफरेंस होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में। क्या होगा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में आप सिर्फ और सिर्फ कुछ क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर
वो एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है। सपोज कीजिए कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड है और उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड क्या होंगे जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, वॉटर एड करते जा रहे हैं। तो जब आप इसमें वॉटर एड करेंगे तो एक टाइम क्या आएगा कि सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाएगा और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूटेड। सो आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को किसमें चेंज किया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में चेंज किया है। सो इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। सो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होती है, जब आप किसी भी कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं टॉपिक, हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड ट्रांजिशन। बच्चों इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब बच्चों इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपकी एंट्रोपी आती है। अब तक आपने जितना भी पढ़ा है थर्मोकेमिस्ट्री में, टॉपिक है एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर के बाद